दोस्तों एक बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हमें आशा है कि आज आप लोग जरूर कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। दोस्तों जब से कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि हम लोग फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करते हैं तो हम लोग को फोटो क्रॉप करने में या रिसाइज करने में बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दो तरीके से बताएंगे कैसे आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी होता क्या है कि फोटो को हमारे पिक्सल के हिसाब से मांगता है कि 1024x768 पिक्सल का ये फोटो होना चाहिए या साइन होना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले। दोस्तों फोटो को क्रॉप करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी दो नंबर की फोटो है, इसको थोड़ी देर तक माउस रखिए, ये बता देगा कि कितनी इसकी साइज है। या अगर आपको नहीं पता है तो राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 178 KB का दिखा रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसको दो तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। चाहे ओपन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, जब ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पेंट में चाहे माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में ओपन कर सकते हैं। या इसके अलावा आप राइट क्लिक करें, ओपन विथ पे जाएं और यहाँ से आप पेंट में ओपन कर सकते हैं। बात एक ही है। चलिए दोस्तों मैंने इसको पेंट में ओपन कर लिया, अब मुझे इस फोटो को क्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और रेक्टेंगल सेलेक्ट इसका ऑप्शन ले लेंगे और जितना आप चाहते हैं फोटो क्रॉप हो उतनी ही दूरी तक आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप का एक ऑप्शन दे रहा है, क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज और इसको कर देते हैं सेव। अब चलिए इस पर राइट क्लिक करके फिर से प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और देखते हैं इसकी साइज जो है 168 KB की हो गई। सबसे पहले मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ फोटो क्रॉप कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक नंबर वाली फोटो को फिर से ओपन करता हूँ और ओपन पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे एडिट पिक्चर का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रॉप को एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही क्रॉप को एक्टिवेट करेंगे अब आपको कितना क्रॉप करना है उस हिसाब से इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम नीचे से भी क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे सेव, ये इसकी जो क्रॉपिंग हो गई है और अब इसकी साइज आराम चेक कर सकते हैं, 206 KB का दिखा रहा है। चलिए दोस्तों फिर से हम चेक कर लेते हैं, एक नंबर वाली फोटो को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे 206 KB के। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप पेंट से क्रॉप करते हैं तो आपकी साइज भी रिड्यूस हो जाएगी और आपका फोटो भी क्रॉप हो जाएगा, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर से इसको क्रॉप करते हैं तो इसकी साइज जो है बढ़ जा रही है और फोटो भी क्रॉप हो जा रहा है। अब आपको कौन सा बेस्ट तरीका लगता है उससे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद पेंट में आएंगे, पेंट में आने के बाद यहाँ पर रिसाइज का एक ऑप्शन दिया हुआ है और इसको हम यहाँ से अनचेक कर लेंगे और पिक्सल पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको कितने पिक्सल का चाहिए, मान लीजिए कि 1100 और 768 इतने पिक्सल का चाहिए, इसको ओके करेंगे। ओके करने के इस फाइल को कर देंगे सेव। अब ये हमारे उतने पिक्सल में फोटो हमारी आ गई है। अब आपको जहां पर भी यूज करना है आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा चलिए अब हम चलते हैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर पे और यहाँ से भी फोटो की हम रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन देगा, आप यहाँ से आने के बाद इसकी साइज कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 80% कर देता हूँ, ओके करूंगा और इसको सेव कर लूंगा और फिर आप देख सकते हैं इसकी साइज कितनी कम हुई, अभी 136 KB का हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कंप्रेस करना तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज ले सकते हैं और कम कर सकते हैं और दिखाता हूँ मैं इसकी। दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ इसकी साइज कितनी हो गई है, प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे और इसकी साइज जो है मात्र 16 KB हो गई है। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। दोस्तों तब तक के लिए जय।